Pakistan-occupied Kashmir, also known as Azad Kashmir, is a polity administered by Islamabad since 1947. The territory has a parliamentary form of government with its capital in Muzaffrabad. It has its own president and prime minister and is supported by a council of ministers. However, all powers, including finance and military, remain with Pakistan's Ministry of Kashmir Affairs, which is chaired by the Pakistan Prime Minister. Post Nawaz Sharif's disqualification by the Supreme Court, the Prime Minister of Pakistan-occupied Kashmir, Raja Farooq Haider, warned that Kashmiris may have to rethink on whether or not to align with Pakistan in the future. मुझे सोचना पड़ेगा वैसे कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ अगर यही है इसका अलामा इकबाल का और उसका कादरों का पाकिस्तान जो है As political parties and politicians in Pakistan lash out against Prime Minister Raja Farooq Haider, Kashmiri political activists expose Pakistan's duplicity on the Kashmir issue. जितने भी वज़रा हैं फारूक हैदर के साथ फारूक हैदर खुद फारूक साहब और फारूक हैदर की जितनी भी कैबिनेट है ये इकतदार आता जाता रहता है इकतदार सदा पास नहीं रहता कम से कम जुर्रत से कम बात तो करें आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहे ये वफाक में बैठे हुए मदारी वफाक में बैठे हुए ये नौसरबाज दो दो टक्के के लोग वजीर आजम आजाद कश्मीर को तू तू करके टीवी के ऊपर आके बात करते हैं बोलते हैं तो महसूस ये हुआ कि आजाद कश्मीर के लोग पहले से तो बदतरीन गुलाम हैं क्योंकि सड़कें नहीं फैक्ट्री नहीं कारखाना नहीं लूली लंगड़ी एक पार्लियामेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट दे दिया हाई कोर्ट दे दिया और उसके बाद आप वहां पे बात नहीं कर सकते क्योंकि पीछे नेशनल एक्शन प्लान के तहत किताबों पर पाबंदी लगाई गई लोगों को उठाया गया जेलों में डाला गया और उनको कहते थे छोटी सतह पर ये गुद्दार है हुकूमत आज़ाद कश्मीर हाँ हमें हाँ मिलाती थी और किताबों पर पाबंदी लगाई अब तो ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी कहते हैं गुद्दार और नमक हराम Kashmiri leaders belonging to Jammu Kashmir National Independence Alliance held a conference in Leeds and supported Haider's statement against Pakistani occupation. Talking about the plight of the local residents in the occupied territory, they asserted that Islamabad cannot keep the region enslaved under its illegal rule. मुझे इंतहाई दुख होता है कि पहले दिन से पाकिस्तान गैर कानूनी गैर आइनी और गैर इखलाकी हरकत करता है और रियासत जम्मू कश्मीर को और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जागीर समझा है मैं आपके तवसत से ये वाजिया कर देना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को और पाकिस्तान के तमाम मीडिया एंकर्स को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने एक ऐसे इलाके में जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है मेरी मुराद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से है वहाँ पर जो सियासी जमातों की शाखें बनाई गई हैं मैं समझता हूँ कि ये भी ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए और उनको अपनी ये जो दुकानें उन्होंने वहाँ खोली हैं और जिस तरह से वहाँ पर लूट मार का बाज़ार गर्म किया जाता है इसको भी ख़त्म होना चाहिए Pakistan administered Kashmir is a resource rich region, but due to Islamabad's discriminatory policies, the locals are living a miserable life. The region remains underdeveloped as people have no jobs and facilities like healthcare and education.